हेलो फ्रेंड्स टुडे इन दिस थर्ड लेक्चर ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डीमॉर्गन लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में लॉजिकेट का क्लासिफिकेशन किया और मैंने बताया कि लॉजिकट्स मेनली थ्री टाइप्स में डिवाइडेड हैं, बेसिक लॉजिक एट यूनिवर्सल लॉजिक एट एंड स्पेशल लॉजिकट फिर हमने कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में पढ़ा कॉम्बिनेशनल सर्किट हैज़ नो मेमोरी एलिमेंट एंड सिक्वेंशियल सर्किट हैज़ मेमोरी एलिमेंट

डिमोस लॉ का यूज भी हम बुलियन फंक्शन के सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करते हैं यूज करते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन फंक्शन ये तो मैंने आपको बता दिया कि बुलियन फंक्शन के सिंप्लीफिकेशन के लिए ही यूज किया जाता है डिमोर्गन लॉ अब सेकेंड एप्लीकेशन क्या है वी कैन ओनली अप्लाई डिमॉर्गन लॉ आपको नॉट गेट बताया था तो कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताया था कॉम्प्लीमेंट जब हम किसी फंक्शन का करते हैं तो उसको इन्वर्ट कर देता है उसी इन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर मतलब वो जो इनवर जो बार लगता है उसके ऊपर वो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर होता है तो ये बोल रहा है कि हम डीम ऑर्गन लॉ सिर्फ उन्हीं फंक्शंस पे अप्लाई कर सकते हैं जिनके ऊपर क्या लगा हुआ है कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है जिनके ऊपर बार लगा हुआ है अब जो लॉ की डेफिनेशन है वो हम लास्ट में कवर करेंगे पहले हम एक नोट देख लेते हैं ये लॉ तभी यूज होगा जब फंक्शन में पूरे में क्या हो कॉम्प्लीमेंट हो ये मैंने नोट दे के व्हाट्सअप के लैंग्वेज में इसीलिए लिखा है ताकि आपको हमेशा याद रहे कि ये लॉ कहा पे एप्लीकेबल है ये ये लॉ सिर्फ वहां एप्लीकेबल है जहां पूरे फंक्शन के ऊपर क्या लगा हो कॉम्प्लीमेंट लगाओ या फिर पूरे फंक्शन के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा है तो कॉम्प्लीमेंट में जितने भी वेरिएबल्स हैं सबके ऊपर क्या लगा हो कॉम्प्लीमेंट लगा हो तब हम इसको यूज करेंगे हाउ टू अप्लाई दिस लॉ अब इस लॉ को अप्लाई कैसे करते हैं रूल नंबर वन जहां पे भी बुलियन एक्सप्रेशन में आपको मल्टीप्लीकेशन दिखेगा आप उसको एडिशन में कन्वर्ट कर देंगे और जहां पे भी आपको एडिशन दिखेगा आप उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देंगे वट इज रूल नंबर टू ब्रेक ज्वाइन अब ये ब्रेक और ज्वाइन क्या है ब्रेक करना है कॉम्प्लीमेंट को अगर कॉम्प्लीमेंट पूरे के पूरे बुलियन फंक्शन के ऊपर लगा हुआ है तो आपको उसको क्या करना है ब्रेक करना है देखिए अगर जॉइन लिखा जॉइन है अगर कॉम्प्लीमेंट हमारा पूरे के ऊपर है तो आप उसको ब्रेक कर देंगे और अगर वो ब्रेक फॉर्म में है मतलब अलग अलग इंडिविजुअल्स के ऊपर है तो आप उसको क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं अब फर्स्ट एग्जाम्पल इज ए डॉट बी का बार अब देखिए इस पूरे बुलियन फंक्शन के ऊपर क्या लगा हुआ है बार लगा हुआ है इसका मतलब क्या है यहाँ पे डी मॉर्गन मॉ क्या है एप्लीकेबल है मतलब हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अब मैंने आपको ऊपर रूल नंबर वन बताया कि आप मल्टीप्लीकेशन की जगह क्या कन्वर्ट कर देंगे प्लस का साइन आ जाएगा और मैंने बताया कि कॉम्प्लीमेंट अगर पूरे में लगा हो तो आप उसको क्या कर देंगे ब्रेक कर देंगे मतलब कॉम्प्लीमेंट ज्वाइन है तो आप उसको अलग अलग इंडिविजुअल्स के ऊपर क्या कर देंगे ब्रेक कर देंगे मैंने इसको व्हाट्सअप लैंग्वेज में फिर से लिखा हुआ है पूरे में कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट को ब्रेक कर दें। मतलब अगर पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा है तो उसको आप क्या कर देंगे ब्रेक कर देंगे और जो डॉट का साइन है उसको किससे कन्वर्ट कर देंगे प्लस से जहां पे प्लस होगा वहां पे डॉट लगा देंगे जहां पे डॉट होगा वहां पे प्लस लगा देंगे जहां पे कॉम्प्लीमेंट हमारा ब्रेक होगा उसको हम ज्वाइन कर देंगे और जहां पे ज्वाइन होगा उसको हम क्या कर देंगे ब्रेक कर देंगे नाउ सेकेंड एग्जाम्पल ए डॉट बी डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट अब देखिए यहाँ पे भी पूरे के ऊपर क्या लगा हुआ है कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है मतलब आपको क्या करना है कॉम्प्लीमेंट को ब्रेक करना है कॉम्प्लीमेंट आपने ब्रेक कर दिया ये ब्रेक किया ये ब्रेक किया और ये भी ब्रेक कर दिया यहाँ पे तीनों के बीच में क्या था मल्टीप्लीकेशन का साइन था तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे प्लस में कन्वर्ट कर देंगे ब्रेक द कॉम्प्लीमेंट चेंज द साइन आपको क्या करना है कॉम्प्लीमेंट को ब्रेक करना है और साइन को चेंज करना है ऐसे कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी आएंगे जहां पे इसको ज्वाइन द कॉम्प्लीमेंट चेंज द साइन जहां पे आपको कॉम्प्लीमेंट को ज्वाइन करना होगा और साइन को चेंज करना होगा हमारा थर्ड एग्जाम्पल ए प्लस बी का बार अब यहां पे प्लस का साइन है तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लीकेशन में और यहाँ पे बार फिर से किस पे लगा हुआ है पूरे के ऊपर लगा हुआ है तो आप इसको क्या कर देंगे ब्रेक कर देंगे ब्रेक कॉम्प्लीमेंट चेंज द साइन प्लस को किस में चेंज कर दिया डॉट में चेंज कर दिया नाउ फोर्थ एग्जाम्पल फोर्थ एग्जाम्पल क्या है हमारा ए प्लस बी सी का होल बार तो आप क्या करेंगे पहले प्लस को डॉट में कन्वर्ट करेंगे आपने प्लस को डॉट में कन्वर्ट किया और जो कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है होल का कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है उसको आप ब्रेक कर देंगे आपने ए के ऊपर ब्रेक किया और होल बीसी के ऊपर आपने क्या किया इसको कॉम्प्लीमेंट को ब्रेक किया अब देखिए ये जो बी सी का जो बार है ये भी एक छोटा सा बुलियन फंक्शन है मतलब जो हमने ये वाला फंक्शन पढ़ा इसी का एक छोटा सा पार्ट है तो आप इसमें भी डी डिमोर्गन लॉ अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी पूरे में बार लगा हुआ है तो डी डिमोर्गन्स लॉ अप्लाई हो सकता है तो ये ए बार तो इसी तरीके से रहेगा ये डॉट भी ऐसे ही रहेगा अब इसमें अप्लाई हो जाएगा बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन आ गया और होल बार है तो इसने इसमें आपने इसको क्या कर दिया ब्रेक कर दिया तो आपका पूरा फंक्शन क्या बन गया ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार अब आप इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार अब ये क्या किया आपने ए प्लस बी सी बार को आपने पहले डी लॉ इसमें अप्लाई इसमें अप्लाई किया और आपको क्या मिला ये रिजल्ट मिला अगर आपको ये बुलियन फंक्शन दिया होता तो आप क्या करते हैं अगर आपको रिजल्ट गिवन होता तो आप कैसे बुलियन फंक्शन निकालते इफ द रिजल्ट वॉज गिवन अगर आपको ये फंक्शन ना देके ये फंक्शन दिया होता तो आप कैसे निकालते तो आप इसको लिखेंगे यहाँ पे ए डॉट ए का बार डॉट बी का बार प्लस ए का बार डॉट सी का बार तो मैंने आपको बताया था कि जहां पे भी डॉट का साइन होगा आप उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे प्लस में कन्वर्ट कर देंगे अभी तक हम जितने भी एग्जाम्पल्स लेके चल रहे थे उसमें क्या था पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ था लेकिन इस वाले केस में क्या है इंडिविजुअल्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है मैंने बोला जब भी किसी भी बुलियन फंक्शन में चाहे पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हो या फिर हर एक इंडिविजुअल वेरिएबल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाओ तो वहां पे डी डीमॉर्गन लॉ अप्लाई किया जा सकता है तो अब ये ब्रेक वाली कंडीशन है तो आप इसको क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे साइन तो हर बार चेंज होगा डॉट की जगह प्लस आ गया यहाँ ब्रेक वाली कंडीशन में था तो आपने इसको क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया और इसको होल ब्रैकेट में रख दिया प्लस का साइन प्लस का साइन ही रहेगा यहाँ पे क्योंकि प्लस uh, का साइन क्यों uh, यहाँ पे डीमोर्गन लॉ हम, हमने अप्लाई नहीं किया हमने सिर्फ इस वाले पार्ट पे डिमोर्गेन्स लॉ अप्लाई किया और इस वाले पार्ट में डिमोर्गन लॉ अप्लाई कर रहे हैं जब हम इन दोनों को साथ में लेके चलेंगे तब हम इस प्लस को चेंज करेंगे अभी हम इंडिविजुअल इस इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को लेके चल रहे हैं तो अब इस वाले पार्ट में क्या होगा यहाँ पे भी डॉट था तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया प्लस में कन्वर्ट हो गया और कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे भी ब्रेक था तो यहाँ पे क्या हो गया ज्वाइन हो गया अब देखिए ये पूरा क्या हो गया ये एक फंक्शन हो गया और ये एक फंक्शन हो गया और बीच में क्या है इनके प्लस है अब हम इसमें डिमोर्गन स्लो अप्लाई करेंगे ये प्लस किसमें चेंज हो गया मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो गया इंडिविजुअल के ऊपर बार था तो अब ये क्या हो जाएगा होल बार हो जाएगा जिसको हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी सी का होल बार एक बार आपने इस फंक्शन से आप इस फंक्शन में आए फिर आप इस फंक्शन से सेम उसी फंक्शन में आ गए मतलब आपने प्रूव कर दिया कि ये डिमॉर्गन्स लॉ क्या है वेरीफाई किया आपने डिमोर्गन्स लॉ की डिमोर्गन्स लॉ सही है अ फिफ्थ एग्जाम्पल ए बार बी बार अब ए बार बी बार को कैसे करेंगे बीच में क्या है मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो आपने क्या किया इसको प्लस से चेंज कर दिया और ए और बी दोनों इंडिविजुअल्स के ऊपर क्या था बार था बार लगा हुआ इसने इसने इसमें आपने क्या किया होल कॉम्प्लीमेंट ले लिया ज्वाइन द कॉम्प्लीमेंट चेंज द साइन जैसे अभी तक आपने पढ़ा था ब्रिक द कॉम्प्लीमेंट चेंज द साइन एंड अब हम पढ़ रहे हैं ज्वाइन द कॉम्प्लीमेंट चेंज द साइन साइन आपको हर बार चेंज करना है बस आपको ध्यान ये देना है कि अगर कॉम्प्लीमेंट ब्रेक है तो आप उसको ज्वाइन कर देंगे और ज्वाइन है तो ब्रेक कर देंगे सिक्स एग्जाम्पल ए प्लस बी ए बार प्लस बी बार ये किसके बराबर होगा ए को चेंज कर दिया आपने मल्टीप्लीकेशन में कॉम्प्लीमेंट हमारा ब्रेक वाली फॉर्म में था आपने इसको क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया अब देखिए आपने देखा होगा कि जितने भी अपने आपने एग्जाम्पल्स देखे आप क्या कर रहे हैं इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं मतलब एक फॉर्म से आप इसको दूसरे फॉर्म में लिख रहे हैं क्या पता ये आपको आगे चल के किसी जब आप बड़े से लॉजिक गेट्स के सर्किट्स को सॉल्व करेंगे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको कॉमन लेने के काम आएगा या उसको सिंप्लीफाई करने के काम आएगा तो इसलिए डिमोर्गन लॉ का यूज किया जाता है अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जो कहां से निकल के आती डी डिमोर्गन लॉ से निकल के आती हैं इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज फ्रॉम डी मॉर्गन्स लॉ डी मॉर्गन्स लॉ से कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज निकल के आती हैं उनको अब हम देखेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल मतलब फर्स्ट आइडेंटिटी ए बार बी प्लस ए बी बार का होल बार इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी बार ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए क्योंकि यही जब आप स्पेशल लॉजिक गेट पढ़ेंगे एक्सओ आर या फिर एक्स एन ओ आर के बारे में पढ़ेंगे तो ये आइडेंटिटीज ये दोनों आइडेंटिटीज आपकी वहां पे क्या होंगी यूज होंगी तो हम पहली आइडेंटिटी को देखते हैं पहली आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं एल एच एस लेके चलते हैं एल एच एस क्या है ए बार बी ए बार बी प्लस ए बी बार था होल कॉम्प्लीमेंट था तो आपने क्या किया ये प्लस का साइन आपने मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया और जो पूरा कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ था आपने इसको क्या कर दिया ब्रेक कर दिया आपने इसमें भी ब्रेक कर दिया और इसमें भी ब्रेक कर दिया अब देखिए ये जो फंक्शन है इसके ऊपर भी होल कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है इसके ऊपर भी होल कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ तो इसमें भी आप डिमोर्गेंस स्लो अप्लाई करेंगे मल्टीप्लीकेशन का साइन ऐसे का ऐसे नीचे आ जाएगा और इस वाले पार्ट पे डिमोर्गेंस स्लो अप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा ए बार का बार a बार का बार हो जाएगा क्योंकि बार टूट जाएगा दोनों के ऊपर आ जाएगा ऊपर वाला जो बार है वो दोनों के ऊपर टूट जाएगा इसके ऊपर भी आ जाएगा और इसके ऊपर भी आ जाएगा बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन था तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा ऐसे ही इस वाले पार्ट पे भी हम अप्लाई करेंगे a बार प्लस b b बार के बराबर हो जाएगा अब कल ही मैंने आपको बताया था कि किसी भी फंक्शन के ऊपर किसी भी इनपुट के ऊपर अगर दो बार बार लग जाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता वो हमको सेम रिजल्ट देगा ए की जगह यहाँ पे सीधे क्या आ जाएगा ए आ जाएगा यहाँ पे बी बार की जगह बी बार आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन ऐसे ही हमारा सीधे नीचे आ जाएगा ये हो जाएगा ए बार प्लस बी अब उसके बाद हम इसको क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मतलब मल्टीप्लाई करके देखेंगे सारे फंक्शंस को कि किस तरी फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा ए इंटू ए बार ए इंटू ए बार फिर आ जाएगा ए इंटू बी ऐसे ही बी बार इंटू ए बार आ जाएगा और बी बार इंटू बी आ जाएगा अब देखिए ये जो ए बार ए डॉट ए बार है इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है जीरो के बराबर होती है कैसे होती है ये जीरो के बराबर देखिए हम ए की वैल्यू क्या क्या लेके देख सकते हैं हम ए की वैल्यू या तो जीरो ले सकते हैं या फिर वन ले सकते हैं तो अगर आपने ए की वैल्यू वन लिया तो ए बार आपका किसके बराबर आएगा जीरो के बराबर आएगा तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको किसके बराबर मिल जाएगा जीरो के बराबर मिल जाएगा इसीलिए ए डॉट ए बार और जो बी डॉट बी बार है ये किसके बराबर आएगा जीरो के बराबर आएगा तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बच गया ए बी प्लस ए बार बी बार आपके पास बच गया और ये क्या था हमारा एल एच एस था तो हमने प्रूफ कर दिया कि दिस ज इक्वल टू दिस तो एक आइडेंटिटी हमारी कंप्लीट हो गई अब दूसरी आइडेंटिटी दूसरी आइडेंटिटी है ए बार बी बार प्लस ए बी का होल बार और ये किसके बराबर आता है ए बार बी प्लस ए बी बार के बराबर आता है ये आइडेंटिटीज आपको याद करनी है देखिए आप प्रूफ करना तो सीख सकते हैं लेकिन अगर आपको आइडेंटिटी याद होगी तो आप सीधे इसको अप्लाई कर सकते हैं अब फिर से हम एल को लेके चलते हैं एल क्या है हमारा ए प्लस बी का बार प्लस ए बी का होल बार अब देखिए आपको ये होल बार दिख रहा होगा और प्लस दिख रहा है तो प्लस को आपने किसमें चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया और ये जो होल बार था इसको आपने क्या कर दिया ब्रेक कर दिया इसके ऊपर भी आ गया और इसके ऊपर भी आ गया अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया आपका डबल बार आ गया तो डबल बार का तो मैंने आपको बताया कि कोई मतलब नहीं होता तो ए प्लस बी सीधा का सीधा ऐसे ही आ जाएगा और मल्टीप्लीकेशन का साइन भी यहाँ पे सीधे ऐसे ही आ जाएगा बस इसमें डी डिमोर्गन लॉ फिर से अप्लाई होगा ए डॉट बी का बार है तो ये किस में चेंज हो जाएगा डॉट चेंज हो जाएगा प्लस में और ये जो बार है वो किस में चेंज हो जाएगा ए का बार और बी का बार मतलब जो बार साथ में था ज्वाइन था वो क्या हो गया टूट गया ब्रेक हो गया अब हम फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू ए बार फिर आ जाएगा ए इंटू बी बार फिर आ जाएगा बी इंटू ए बार और बी इंटू बी बार के बराबर आ जाएगा फिर से आपका ये वाला टर्म और ये वाला टर्म किसके बराबर आ जाएगा जीरो के बराबर आ जाएगा और आपका रिजल्ट क्या बच जाता है ए बी बार प्लस बी ए बार के बराबर आ जाता है फिर से हमारा एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस मतलब हमारी सेकेंड आइडेंटिटी भी क्या हो गई प्रूफ हो गई अब हमने डिमोर्गेंस लॉ के एप्लीकेशन को देख लिया है और ये आइडेंटिटीज आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि यही आइडेंटिटीज जो है आपको स्पेशल गेट में जब आप पढ़ेंगे एक्सओ आर और एक्स एनओ आर तो वहां पे इनका बहुत ज्यादा यूज है सिंप्लीफिकेशन में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है अब डिमोर्गन लॉ कंप्लीट हो गया अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये भी किसके काम आता है काइंड ऑफ बुलियन सिंप्लीफिकेशन ये भी बुलियन सिंप्लीफिकेशन के ही काम आता है आइडेंटिटी क्या है देखिए बुलियन लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव uh, लॉ है क्या ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ए प्लस सी देखिए अब इसको हम प्रूव करके देखेंगे ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये मैथ्स में यूज नहीं होता है ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस तरीके से नहीं होता है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे देखिए ए को पहले सी के साथ ऐड करेंगे और ए को फिर आप किसके साथ ऐड करेंगे बी के साथ ऐड करेंगे ए प्लस बी इन टू ए प्लस सी ये हमारा क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है अब हम इसको प्रूफ करके देखते हैं कि क्या सच में ऐसा पॉसिबल है मतलब प्रूफ देखेंगे इसका कि क्या जब हम यहाँ से शुरू करते हैं मतलब एल से शुरू करके अब हम कहाँ पे जा रहे हैं आर में जाएंगे मतलब इस साइड से हम इस वाली साइड को क्या करेंगे प्रूफ करेंगे तो ये क्या है ए में ए तो इसको हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे ए फिर ए का फिर से सी से मल्टीप्लीकेशन होगा बी का सी बी का ए से भी मल्टीप्लीकेशन होगा बी का सी से भी मल्टीप्लीकेशन होगा तो आपका ये फोर टर्म्स निकल के आएंगे अब जो ए डॉट ए होता है वो किसके बराबर होता है ए के ही बराबर होता है अब देखिए एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ कैसे अगर ए की वैल्यू वन है ए की वैल्यू वन है तो ए की वैल्यू भी क्या मतलब वन इंटू वन किसके बराबर होगा वन के बराबर होगा तो मतलब आप दो सेम वेरिएबल्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको सेम वेरिएबल मिल जाता है तो ये ए डॉट ए है और उसके बाद ए प्लस बी ए प्लस ए प्लस सी प्लस बी सी के बराबर है तो ये ए डॉट ए को आप क्या लिख देंगे ए लिख देंगे उसके बाद आपका जो आगे वाला जो टर्म है ये सेम जिस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है वही लिखा हुआ है आपका टर्म अभी जो आगे के तीन टर्म्स हैं इनको आप नोटिस करिए ए तीनों में कॉमन है यहाँ पे भी ए है यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है तो आप ए को क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं तो अंदर आपके पास क्या बच जाएगा ए कॉमन लेने के बाद फर्स्ट टर्म से आपके पास बचेगा 1 दूसरी टर्म से आपके पास बचेगा b और थर्ड टर्म से आपके पास बचेगा c और ये जो bc वाला जो टर्म है प्लस में ऐसा का ऐसा ही नीचे आ जाएगा अब मैंने लिखा हुआ है a bc अब आप सोचेंगे ये 1 b c ये कहाँ चला गया कल ही मैंने आपको बताया था कि बूलियन एक्सप्रेशंस में बूलियन अलजेब्रा में हम सिर्फ दो वैल्यूज का यूज करते हैं वन और जीरो तो मैंने एक क्वांटिटी वन ले ली है और दूसरी चाहे उसके साथ कुछ भी हो कल ही मैंने आपको बताया था एनीथिंग टू इज तो मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन एनी थे हो गया ए तो और प्लस बी सी तो हमारा साथ में चल ही रहा था तो हमने एल एच आर एच एस साइड से अपना एल एच एस साइड को क्या कर दिया प्रूफ कर दिया मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी भी हमने प्रूफ कर दिया और ये भी किसके काम आती है ये भी बुलियन एक्सप्रेशन को सिम्पलीफाई करने के काम आती है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू आपको जो भी डाउट्स हो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें एंड प्लीज लाइक शेयर लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो थैंक यू